फिर भाई लोग कैसे हो सब लोग? आई थिंक अब सब लोग ही बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हमने ले लिया है साइरोटेक का नया वाला राउटर है, नया मॉडल है सब कुछ। पुराना वाला जो डुअल बैंड का राउटर था वो नहीं है, अच्छा नया वाला साइरोटेक का डुअल बैंड का राउटर वो आपको मैं दिखाऊंगा। इसका मॉडल नंबर भी आपको दिखा सकता हूँ, शायद अभी फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अवेलेबल नहीं हुआ है, शायद उम्मीद किया जा रहा है 4-5 महीने के बाद आपको। इसका मॉडल नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, साइरोटेक जीपॉन SYGPON 2010R2WDONT। इसका मॉडल नंबर मैं आपको इसका मॉडल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से देख लेना। तो गाइस इसको करते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या मिलते हैं। सो गाइस जैसा है मैं ऐसा ही लेकर आया हूँ, उसके साथ कोई मैंने छेड़खानी नहीं किया है, सिंपल से मैं हम इसको ओपन करता हूँ। सब देख सकते हो इसमें ओपन करने के बाद इस तरह सा एक प्यारा सा हमारा राउटर मिल गया है, जो कि देखने में बहुत छोटा है, मतलब पुराना वाला राउटर से थोड़ा कुछ छोटा है, लेकिन सब कुछ ठीक है। तो मैं देखूंगा इसमें क्या क्या आप पोर्ट दे जा रही है। तो इसके 4 एंटेना मिल रहे हैं, आप देख सकते हो 4 एंटेना। और पोर्ट देखिए यहाँ पे एक टेलीफोन का दे रखा है, मैं आपको इसको कह देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए वो है एक स्विच दिया हुआ है बटन, उसके बाद LAN 1 LAN 2। मैं आपको बोलता हूँ LAN 1 LAN 2 दोनों ही आपका 1 Gbps सपोर्ट करेगा। और इसमें टेलीफोन का दिया हुआ है वो है आपका फोन का, तो गाइस देख सकते हो। और इसे क्या दे रहे हैं सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, राउटर को थोड़ा साइड में रख लेता हूँ। और इसके साथ दिया हुआ है शायद एक एडाप्टर, साइरोटेक का एडाप्टर दिया हुआ है, और एक मतलब वो एनवलप दिया हुआ है। चलिए इसको कौन पड़ता है इसको रख देता हूँ, तब भी इसका स्पेसिफिकेशन कुछ चाहिए तो इसको हम देख सकते हैं, लेकिन हमको नहीं चाहिए तो हम रख देते हैं यहाँ पे। मैं एडाप्टर को नहीं खोलूँगा, या एडाप्टर देखने कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात वो है मेरे हिसाब से, सब साइरोटेक का भी जो नया मॉडल आ रहे हैं इसमें आपको लैन केबल नहीं दे रहा है। पहले वाला मॉडल में एक लैन केबल दे रखा था, लेकिन इसमें लैन केबल नहीं दे रहे। चलिए फिर इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद स्पीड टेस्ट करेंगे, देखेंगे। सो गाइस फाइनली हमारा राउटर फुल्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉन का लाइट जल रहा है, पावर जल रहा है, इंटरनेट जल रहा है और टेलीफोन जल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्फ़िगर है, वाईफाई भी जल रहा है। मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ, शायद आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे लाइट जल रहा है 5 GHz से। सो गाइस फाइनली हम स्पीड टेस्ट करने वाला है, यहाँ पे पहले गूगल से ही करूँगा, उसके बाद ओखला से भी करूँगा। आप देख सक, आपको पता ही होगा मेरा प्लान है 100 Mbps का, लेकिन वो देखिए ज़्यादा तक गया है, लगभग 200 तक गया है। स्पीड के बारे में बहुत अच्छा चल रहा है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा स्पीड आ रही है यहाँ पे, 131 और 110 दे रहा है डाउनलोड और अपलोड, ठीक है। अभी हम ओखला से टेस्ट करेंगे, पहले ओखला को हम डेस्कटॉप मोड कर लेते हैं। मेरा 100 का ज़्यादा ही आ रहा है, 100 से ज़्यादा ही आ रही है, लेकिन पिंग यहाँ पे थोड़ा हैवी आ रहा है 58, लेकिन वह होना नहीं चाहिए, शायद ऐसा भी ओखला का कोई मतलब इशू है। मैं जब ओखला पे स्पीड टेस्ट करता हूँ ना, हर बार मेरे को मतलब वो पिंग ज़्यादा दिखाती है, जैसे कि आप फास्ट डॉट में देखोगे तो इसमें पिंग ठीक ठाक ही आएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, शो मोड पर क्लिक कर लेता हूँ। पिंग देखिए यहाँ पे, पिंग देखिए 15 दे रहे हैं और 8 दे रहे हैं, 8 MS दे रहे हैं, डाउनलोड 130 दे रहा है और अपलोड लगभग 120 की तरह दे रहा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग गाइस।